I would like to tell you about general characters of Urochordata and morphology of Hardmania. So here I have prepared some slides. So I'm going to show you my slides. These are my slides. Okay. So first we will start with general characters of Urochordata. Their chordate features are clearly seen in the larval stage. All urochordates are marine and occurs in all the seas. Majority of them are sedentary and some are pelagic. So जो आपके chordate features हैं वो generally आप अगर देखेंगे तो clearly visible होते हैं larval stage में. कभी कभी ऐसा होता है कि larval stage में chordate characters present होते हैं, but जब ये adult stage में आते हैं तो इनके जो larval characters हैं वो disappear हो जाते हैं. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब ये larval stage में होते हैं तो आपको chordate characters हमेशा visible रहते हैं. तो आपको chordate characters आपको easily दिखेंगे आपके larval stages में. All urochordates are marine होते हैं and occurs in all the seas. क्योंकि marine है तो आपके sea water में present होंगे. Majority of them are sedentary and some are pelagic. तो इस तरीके से इनका habitat होता है. Body shows variation in size and forms. Size और forms में variation होता है यहाँ पर different sizes के और different species और forms के आपको जो animals हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे. The body is unsegmented and has no tail. Body में किसी भी तरीके का segment present नहीं होता है और tail present नहीं होगी. The body is covered by a test. It is formed by tunicin, which is railed to cellulose, hence the name tunicata. The body is covered by test. Body जो होती है उसके चारों तरफ एक covering होती है, that is called as test. जो कि जो body होती है, जो उसकी inner layer है या उसकी mental है आप कह सकते हैं, mental से एक जो आप कह सकते हैं केमिकल रिलीज होता है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिसिन. उस ट्यूनिसिन की वजह से, उस ट्यूनिसिन के सेक्रेशन की वजह से जो आपका बॉडी है उसके चारों तरफ एक टेस्ट डेवलप हो जाती है, एक कवरिंग आप कह सकते हैं डेवलप हो जाती है, जो एनिमल्स यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं उनमें जनरली एक टेस्ट पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है पूरी बॉडी के चारों तरफ, और जो कि ट्यूनिसिन से बनी होती है, ट्यूनिसिन के सेक्रेशन से बनी होती है. इसी वजह से, इस ट्यूनिसिन की वजह से ही इसे हम लोग जो इस फाइलम के मेंबर्स हैं उनको हम लोग ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. तो इस तरीके का इनका बॉडी कवरिंग है जो कि एक टेस्ट के थ्रू कवरअप रहता है. बॉडी वॉल शोज वन लेयर्ड एपिडर्मिस. डर्मिस इज मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स एंड अट्रियल एपिथेलियम. नेक्स्ट इज सीलोम इज एब्सेंट. किसी भी तरीके की कैविटी या किसी भी तरीके का सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है. अट्रियल कैविटी सराउंड्स द फेरिंग्स. Into this cavity, the gill slits, anus, and genital duct will open. It opens through atrial aperture. तो एक atrial cavity है जहाँ पर आपको atrial cavity surrounds the pharynx, pharynx को surround करती है. Into this cavity, gill slits, anus, and genital duct will open. Genital duct open होती है and it open through atrial aperture. जो अट्रियल कैविटी है उसकी जो ओपनिंग होती है थ्रू द अट्रियल अपर्चर, एक पोर होता है उसके थ्रू होती है जिसे हम लोग अट्रियल अपर्चर बोल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज लार्वा हैज़ नोटोकॉर्ड इन द टेल. इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. लार्वा जो होंगे यूरोकॉर्डेट्स के उनमें उनकी जो टेल होती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट
जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब मेटामॉर्फोसिस के दो टाइप होते हैं, एक होती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और एक होती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वल कैरेक्टर बेटर होते हैं बट अडल्ट कैरेक्टर जो होते हैं वो पुअर हो जाते हैं। जैसे कि नोटोकॉर्ड का होना ये एक बेटर कैरेक्टर है, कॉर्डेट कैरेक्टर है, बट इन अडल्ट फॉर्म ये कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो मॉर्फोसिस हुई इसे हम लोग बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, लार्वल कैरेक्टर उतने बेटर नहीं होते हैं बट जो अडल्ट होते हैं उनमें बेटर कैरेक्टर्स होते हैं। तो लार्वल में आप कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है, बट जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड विजिबल होती है। तो इस तरीके की अगर मेटामॉर्फोसिस होती है तो इसे हम लोग प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बट जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें जनरली आपका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है, मीन्स लार्वल कैरेक्टर्स आर बेटर देन अडल्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स गिल्स इन द फेरिंजियल वॉल। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स गिल्स मीन्स फेरिंजियल वॉल, जो फेरिंग्स रीजन होता है वहाँ पर उसकी वॉल पर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम लोग गिल्स बोल रहे हैं। तो थ्रू दीज ओपनिंग्स, फेरिंजियल ओपनिंग्स, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज कॉमन। फिल्टर फीडर होते हैं, सीलिया की हेल्प से फीडिंग होती है, जो फूड है उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर होता है, मींस जो ब्लड है वो साइनसेस में या आप कह सकते हैं कुछ ओपन पिट्स से होकर के फ्लो होता है। यहाँ पर कैपिलरीज या अर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं कराया जाता है। तो ये ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ, यूरोकॉर्डेटा में। द हार्ट इज वेंट्रल एंड इट पीरियोडिकली रिवर्स इट फंक्शन। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा तो इसलिए वेंट्रल बोला गया है, एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट फंक्शन। जनरली जो सर्किट है हार्ट का वो एक ही साइड में, मतलब फ्लो होता है हार्ट, जो ब्लड होता है हार्ट में एक ही सर्कल में फ्लो हो रहा है, मीन्स एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ से ही मूव हो करके जा रहा है। बट यहाँ पर डबल सर्किट फॉर्म हो जाता है, मतलब एक बार एक साइड से दूसरी तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है और दूसरी बार उसी साइड से दूसरी तरीके का ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके का जो सर्किट है, जो आपकी फंक्शन है, इसको हम लोग रिवर्स फंक्शन भी बोलते हैं, रिवर्स फंक्शन ऑफ हार्ट। तो जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इन्हीं में इस तरीके का फंक्शन देखने को मिलता है। तो इनका जो हार्ट है वो थोड़ा सा स्पेशल आप कह सकते हैं बना होता है। तो यहाँ पर रिवर्स फंक्शन आपको देखने को मिलेगा हार्ट का। ओके, नेक्स्ट हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन इन द अडल्ट। अडल्ट में आपको एक सिंगल गैंग्लिया दिखाई देगा जो कि रिप्रेजेंट करता है होल नर्वस सिस्टम को। तो कुछ गैंग्लिया के थ्रू ये नर्वस सिस्टम आपको प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट इट्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज कैरीड ऑन बाय नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज फेवर्ड। बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, मीन्स पानी में, क्योंकि ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में बाहर आउटसाइड द बॉडी जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो किया जाएगा। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ माइन्यूट फ्री स्विमिंग टैटपोल लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर लार्वा का जो है
इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो अगर लार्वा प्रेजेंट होता है तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है, और अगर लार्वा प्रेजेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट में आता है। तो फ्री स्विमिंग टैटपोल लार्वा, टैटपोल लार्वा होते हैं इनके लार्वा का नाम जो है, और ये फ्रीली स्विम कर सकते हैं वाटर में विद अ टेल, टेल प्रेजेंट होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड इन द टेल, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट होते हैं। इन सम यूरोकॉर्डेट्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन द लाइफ हिस्ट्री, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है जिससे कि अडल्ट बनेंगे और उनमें जो नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड है वो डिसअपियर हो जाती है, तो इस तरीके से रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा। सो अब हम लोग जो बात करेंगे अबाउट इट्स एनिमल, कि इसमें कौन सा एनिमल आता है, तो वी विल टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी और एनिमल क्या है, हर्डमानिया। तो हम लोग हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे वो होगी हर्डमानिया की, तो स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आपको डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये हर्डमानिया का डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में दो आपके जो इंड्स हैं वो एंटीरियर इंड, पोस्टीरियर एंड, वेंट्रल एंड, डॉर्सल एंड यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आपका जो है स्टार्टिंग में देखिए तो आपको एंटीरियर एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी एंटीरियर एंड पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रैंकियल अपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर किधर प्रेजेंट होगा, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। डॉर्सल एंड अगर आप देखेंगे तो डॉर्सल एंड पर आपको जो है एक अपर्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एट्रियल अपर्चर। यहाँ पर कौन सा अपर्चर प्रेजेंट होगा, एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट होगा। ये ब्रैंकियल अपर्चर के नीचे का एक साइफल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ब्रैंकियल साइफल बोल रहे हैं, इसी तरीके से एट्रियल अपर्चर के नीचे एक साइफल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एट्रियल साइफन बोलेंगे। जो एट्रियल साइफन है वो ब्रैंकियल साइफन से थोड़ा सा इनलार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो आपको ईजिली विजिबल होगा। इसके बाद जो बॉडी है, फुल बॉडी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट जो है इसका फुट कहलाता है, सॉरी अपर पार्ट जो है इसका बॉडी प्रॉपर है, और उसके जो नीचे का पार्ट है वो फुट रीजन कहलाता है। तो अपर पार्ट जो क्या कहलाता है, बॉडी प्रॉपर। तो देखिए आप लिखा भी हुआ है कि जो अपर पार्ट है वो क्या है, बॉडी प्रॉपर है। और इस बॉडी प्रॉपर रीजन पर इसके चारों तरफ एक टेस्ट फॉर्म की जाती है, एक कवरिंग आप कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कवरिंग जो है बनाई जाती है ट्यूनिसिन के सेक्रेशन से। और ये ट्यूनिसिन जो आपकी मेंटल होती है, जो एनिमल की इंटरनल वॉल है, वो वहाँ से जो है सेक्रेट किया जाता है, और जिससे कि इसके चारों तरफ एक टेस्ट, एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव आप कह सकते हैं लेयर है एक तरीके की, तो वो फॉर्म कर ली जाती है एनिमल में। तो एक टेस्ट आपको दिखाया जा रहा है कि इसके चारों तरफ क्या है, एक टेस्ट प्रेजेंट है। नीचे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो एट्रियल या एंटीरियर साइड है उसके जस्ट नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई देगा एकदम पोस्टीरियर एंड पर, दैट इज वेंट्रल रीजन। और डॉर्सल साइड जहाँ पर है उसके ऊपर आप अगर देखेंगे उसके जस्ट नीचे का पोस्टीरियर जो एंड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर रीजन। तो आपको डॉर्सल, एंटीरियर, वेंट्रल और पोस्टीरियर रीजन जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ विजिबल है। इसके बाद जो नीचे का रीजन है, क्योंकि बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आपका बॉडी प्रॉपर हो गया और दूसरा जो हो गया दैट इज़ फुट। तो फुट रीजन नीचे का है जो कि अटैचमेंट के लिए किसी भी सबस्ट्रैटम से एनिमल को अटैच कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऊपर बॉडी प्रॉपर का रीजन है ये जो है फूड को इनटेक करने में और एक्सक्रीशन करने में, मींस जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी के अंदर है उसको रिलीज करने के लिए आपका वर्क करता है। जो ब्रैंकियल अपर्चर है यहाँ से फूड इंटर करता है बॉडी में, और जो एट्रियल अपर्चर है यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी इसके फुट पर दिखाए जा रहे हैं जो कि सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर जो जिस भी सबस्ट्रैटम से ये अटैच है उस पर प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है
हर्डमानिया का स्ट्रक्चर होता है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर की बात की, अब इसके इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पर इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे. तो अबाउट शेप साइज एंड कलर, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द शेप साइज एंड कलर. तो कैसा शेप होता है, क्या साइज होती है और क्या कलरेशन होता है इसका, उसकी बात हम लोग करेंगे. तो द बॉडी ऑफ हर्डमानिया टालिडा इज रफली ऑब्लॉन्ग इन आउटलाइन, नैरोअर एट इट्स अटैच्ड देन एट इट्स फ्री एंड. जो ऊपर का बॉडी होता है वो आप कह सकते हैं ऑब्लॉन्ग या ओवल शेप में आपका, या एलोंगेटेड पोर्शन है आप कह सकते हैं. और जो नीचे का पोर्शन या फुट रीजन होता है वो थोड़ा सा नैरोअर होता है, क्योंकि वो किसी भी सबस्ट्रेटम से जा करके स्टिक करने का काम करता है. और ऊपर का जो बॉडी होता है वो आपके सारी जो भी प्रोसेसेस हैं, इनटेक ऑफ फूड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज़ करना, ये सारी प्रोसेसेस का फंक्शन अपर पार्ट के थ्रू होता है. और जो लोअर पार्ट है, जो फुट रीजन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू द सबस्ट्रेटम. तो इस तरीके का काम होता है. एट इट्स फ्री एंड इट इज़ प्रोवाइडेड विद टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स, दो ओपनिंग्स होते हैं जिसका एंड फ्री होता है, लाइक जो अपर पार्ट है वो, उसमें दो आपके ओपनिंग्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, द ब्रैंकियल एंड अट्रियल अपर्चर. जो ओपनिंग्स हैं उनको हम लोग ब्रैंकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर बोलते हैं. द एवरेज साइज ऑफ द अडल्ट इज़ अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. ओल्डर एनिमल्स मे इवन अटेन टू अ साइज ऑफ 12x8x4 सेंटीमीटर, वाइल एन एक्सपोनेंशियली लार्ज मीजर 13x8x4.5 सेंटीमीटर. द फुट व्हेन प्रेजेंट मे अटेन अ लेंथ of as much as 3-4 centimeters. The general color of the body in fresh specimen is pink. Generally ये जो अगर fresh specimen है तो इसका color कैसा होगा, pink color का होता है. The presence of bright red patches formed of terminal knobs ampullae in the blood vessels of the test. जो कुछ रेड कलर के पैचेस इसकी बॉडी पर दिखाई देते हैं वो एम्पुली की वजह से होते हैं. एम्पुली जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स जो है कई सारी एम्पुली फॉर्म करते हैं, और एम्पुलीज के होने की वजह से जो रेड कलर के स्पॉट्स बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. और इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हर्डमानिया. द टेस्ट इज सॉफ्ट एंड लेदरी. इट इज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट इन अ यंग एनिमल, बट इन एन अडल्ट बिकेम यूजुअली ओपेक. तो इस तरीके का आपका जो है शेप साइज और कलर हो गया हर्डमानिया का. अब जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिवीजन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी डिवीजन्स की बात करें तो बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने अभी बताया था आपको. पहला जो पार्ट है यहाँ पर अपर पोर्शन, जिसको हम लोग बॉडी प्रॉपर या बॉडी बोलेंगे, और उसके जो नीचे का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड फुट. तो डिवीजन, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, एंड द इंटायर एनिमल इज कवर्ड बाई द टेस्ट. जो एनिमल है उसके चारों तरफ एक टेस्ट प्रेजेंट होती है. बॉडी प्रॉपर की बात करें, इट इज द डिस्टल थ्री पोर्शन ऑफ द बॉडी. द ब्रैंकियल अपर्चर मेक्स द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल, कंसिक्वेंटली द ऑपोजिट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम इज द पोस्टीरियर एंड. जो एंड सबस्ट्रेटम से अटैच होगा वो पोस्टीरियर एंड होता है, और जो फ्री एंड होगा वो आपका ब्रैंकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर कैरी किए होगा. साइड ऑफ द साइड ऑन विच द अट्रियल अपर्चर इज प्लेस्ड मार्क्ड द डॉर्सल साइड,
ऑफ द बॉडी, जिस साइड पर एट्रियल अपर्चर होगा उसे डॉर्सल साइड हम लोग बोलते हैं बॉडी का, विच इज वेरी लिमिटेड. द साइड ऑपोजिट टू द टू दैट ऑन विच द एट्रियल ओपनिंग इज प्लेस्ड एंड विच इज पार्शली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम इज वेंट्रल साइड विच इज एक्सटेंसिव. तो इस तरीके से साइड्स के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर आपकी डॉर्सल साइड होगी, कहाँ वेंट्रल साइड होगी, कौन सा रीज़न एंटीरियर है, कौन सा रीज़न पोस्टीरियर है. तो इस तरीके से आपका बॉडी प्रॉपर होता है. इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अबाउट, तो बॉडी में अभी कुछ पोर्शन बाकी है. व्हेन फुल्ली एक्सटेंडेड द एट्रियल साइफन इज लॉन्गर देन द ब्रैंकियल. जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं तो जो इसकी एट्रियल साइफन का जो रीज़न होता है वो लार्जर या लॉन्गर होता है, किससे, आपकी जो ब्रैंकियल साइफन होता है उससे. इन अ लार्ज साइज एनिमल द एट्रियल साइफन मेजर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर वाइल द ब्रैंकियल साइफन इज ओनली अबाउट 1 सेंटीमीटर इन लेंथ. The atrial siphon is almost always directed upwards and the atrial aperture being more or less upright, while the branchial siphon is always bent a little. जो branchial siphon होता है वो थोड़ा सा bented form में होता है outwards, outside, outward region पर, and the branchial aperture opens more or less laterally, always directed away from the atrial aperture. The average diameter of the branchial aperture when fully expanded is about 2 cm and that of the atrial aperture is about 1.2 cm. तो इस तरीके से अगर ये extended form में होते हैं तो इनका जो size है वो थोड़ा सा change होता रहता है, but अगर आप एक normal उसमें देखेंगे तो आपको जो अट्रियल अपर्चर या अट्रियल साइफन है वो थोड़ा सा लार्जर दिखेगा ब्रैंकियल साइफन से. तो इस तरीके का जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका जो बॉडी प्रॉपर है उसका. तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट जो सेकेंड का पोर्शन है, दैट इज़ फुट, जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट होता है. द फुट व्हेन प्रेजेंट वेराइज इन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द substratum which the animal inhabits. तो depend करेगा क्या nature है जो आपके substratum है उसका, क्या nature है उस पर depend करता है जो foot है उसका size, या फिर उसका जो foot का जो size है वो उस पर depend करेगा, substratum के ऊपर depend करेगा जहाँ पर भी वो present है. If the substratum is of fine sand, the foot has an oval shape and smooth surface and the test is quite hard in the consistency. तो अगर sand present है, sand है उसका substratum, तो जो body होगी वो oval shape में हो जाएगी, smooth surface होती है इसकी जो है, और टेस्ट जो होगी इसका वो थोड़ा सा हार्ड होता है. बट इफ़ द सबस्ट्रैटम कंसिस्ट ऑफ कोर्स एंड द ब्रोकन शेल पीसेस, द फुट इज इरेगुलर इन आउटलाइन एंड मोर और लेस सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी. तो इस तरीके का जो अगर सबस्ट्रैटम है, लाइक जो सबस्ट्रेटम है वो थोड़ा सा इरेगुलर है, जो शेल पीसेज हैं उनका है बना हुआ है, तो इस तरीके से आपका जो शेप है या जो इसकी कह सकते हैं जो इसका आउटलाइन है वो इस तरीके का हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं अबाउट द टेस्ट और ट्यूनिक. टेस्ट और ट्यूनिक क्या है, जो आपकी जो बॉडी प्रॉपर रीजन है उसके चारों तरफ एक कवरिंग है जो कि ट्यूनस इनकी बनी होती है. द एक्सटर्नल कवरिंग, बाहर की कवरिंग है, सराउंडिंग द एनिमल इज लेदरी. ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट और ट्यूनिसिन कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन. ट्यूनिक इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन. सब्सटेंस अकिन टू
to cellulose of plants. The foot is made entirely of test. It acts as receptors as well as respiratory organ. रिसेप्टर की तरह भी काम करता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है. इट इज़ अबाउट 4 to 8 मिलीमीटर लेंथ, मिलीमीटर थिक. इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ओके, एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन से. द टेस्ट हैज़, टेस्ट में क्या क्या आपको मिलेगा अगर आप टेस्ट को स्टडी करोगे तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. क्या क्या हो सकती हैं वो? अ क्लियर मैट्रिक्स इन विच इज एम्बेडेड सेल ऑफ वेरियस शेप्स. कई सारी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, मैट्रिक्स देखने को मिलेगा आपका, इंटरलेसिंग फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे और ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स. आपको ये सब चीज़ें पोर्शन आपको देखने को मिलेगा. तो जो सबसे पहला पार्ट है वो मैट्रिक्स का है. मैट्रिक्स आपको दिखेगी. तो क्या मैट्रिक्स किस तरीके का दिखता है? इट इज़ जिलेटिनस एंड मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड ट्यूनिसिन. तो मैट्रिक्स जो है वो उसका ट्यूनिसिन से बना हुआ है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है. जो सेल्स आपको इसके ऊपर देखने को मिलेंगी दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड हैव माइग्रेटेड इन टू द टेस्ट. मीजोडर्म से अराइज होती हैं और टेस्ट में आपकी माइग्रेट कर जाती हैं. दीज आर ऑफ 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स. तो इस तरीके से हो सकती हैं. पहली जो है लार्ज ईसो आपकी स्नोफिल्स होती हैं. उसके अलावा स्मॉल स्नोफिल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी. इसके अलावा स्मॉल अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रैन्युलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राउंड वैक्यूलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर विच सेवरल नर्व सेल्स विद सेवरल प्रोसेसेस. एंड जो लास्ट टाइप की है स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी. तो इस तरीके से ये सेल्स भी आपको मैट्रिक्स रीजन या टेस्ट रीजन पर प्रेजेंट होंगी. इसके अलावा जो तीसरा चीज़ आपको बताया गया है दैट इज़ इंटरलेसिंग फाइबर्स. ये क्या है? दीज फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क इन द टेस्ट एंड रिजेंबल्स विद स्मूथ मसल फाइबर्स. तो मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स की तरह ये आपको दिखते हैं टेस्ट के ऊपर और ये एक तरीके का नेटवर्क फॉर्म करते हैं, फाइन नेटवर्क फॉर्म करते हैं. किस पर? टेस्ट पर. तो कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ये. इसके बाद जो चौथी चीज़ है दैट इज़ ब्लड वेसल्स. दीज ब्लड वेसल्स फॉर्म्स अ नेटवर्क इन द टेस्ट एंड एंड इन बल्ब लाइक डायलेशंस कॉल्ड वेस्कुलर एम्पुली. तो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एंड कहाँ पर होती हैं? एक बल्ब लाइक आपका डायलेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्कुलर एम्पुली बोलते हैं. तो The vascular ampullae form vascular areas of bright red patches. अभी बताया कि इसकी सर्फेस पर रेड कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं. वो इन वेस्कुलर जो आपके एम्पुली हैं इनके प्रेजेंट होने की वजह से ही होते हैं टेस्ट पर. वेस्कुलर वेसल्स एंड एम्पुली ट्रांसपोर्ट ब्लड. इसी की वजह से रेड कलर आता है, ब्लड की वजह से. एंड दस ब्रिंग फूड टू द टेस्ट. और ब्लड के फ्लो की वजह से टेस्ट में फूड की सप्लाई की जाती है थ्रू दिस. दे ऑल्सो एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. इनको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है. रेस्पिरेशन में भी हेल्प है इनका, हेल्प करते हैं. द एम्पुली आर ऑल्सो रिसेप्टर ऑर्गन्स. एम्पुली जो होते हैं वो एज अ रिसेप्टर ऑर्गन भी वर्क करते हैं. तो इस तरीके से आपका ब्लड वेसल है, ये आपका स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है. ये आपको ब्लड वेसल्स और एम्पुली दिखाने की कोशिश की गई है. तो जो इसकी सरफेस होती है, टेस्ट होती है, इसका जो लोअर पोर्शन और आप कह सकते हैं पूरे पोर्शन में ही आपके ये प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से नेटवर्क प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स का और कुछ जो आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर एम्पुलीज. तो ये टर्मिनल नॉब्स या जिनको हम लोग एम्पुलीज
कहते हैं, और ये जो पूरा पोर्शन है ये टेस्ट का रीज़न है, और टेस्ट पर क्या टेस्ट वेसल्स या ब्लड वेसल्स जो है इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म करती हैं एक जो है, जो कि हेल्प करता है टेस्ट को फूड प्रोवाइड करने का, और रेस्पिरेशन में भी इसका रोल होता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। जो टेस्ट होता है उसके ऊपर कुछ स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हर्डमानिया हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्केलर्स एंड लार्ज माइक्रोस्केलर्स। तो दो तरीके के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जो एक पोर्शन आपको दिखाया गया है इसमें आपको जो स्पिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन दिखाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर आपको साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स, अभी मैंने इसके पहले आपको बताई ब्लड वेसल्स और एम्पली, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है ब्लड वेसल्स का और एम्पलीज का। और जो अपर पोर्शन है यहाँ पर आपको स्मॉल डॉटलिक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, दीज आर द माइक्रोस्केल्स या माइक्रोस्केलर्स, जो कि छोटे स्पाइंस होते हैं इसके। और जो इसके नीचे आप देख रहे हैं तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको जो दिखाए जा रहे हैं, ये एक शीथ होती है उसके चारों तरफ, एक शीथ में कवरअप होते हैं और उसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं आप कह सकते हैं। तो ये जो स्केलर्स हैं ये मेगा स्केलर्स या लार्ज स्केलर्स जो होते हैं, या लार्ज स्पिक्यूल्स आप कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हर्डमानिया में। तो अब हम लोग इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये जो माइक्रो स्केलर्स हैं और मेगा स्केलर्स हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो होगा। पहले जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइक्रो स्केलर्स, तो माइक्रो स्केलर्स आर फाउंड ओनली इन द टेस्ट, जो टेस्ट रीजन है उस पर प्रेजेंट है, एंड लाइज स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स सब्सटेंस। तो स्कैटर्ड होते हैं। ईच स्पिक्यूल कंसिस्ट ऑफ राउंडेड नॉब लाइक हेड। स्पिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपर में आपको नॉब लाइक हेड दिखाई देगा। आप ये माइक्रोस्केलर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि इसका हेड है। इसके बाद हेड एंड एन इलोंगेटेड टेपरिंग बॉडी, इलोंगेटेड टेपरिंग बॉडी है। द हेड इज़ जनरली स्मूथ, हेड जो होता है वो स्मूथ होता है, रियली विद अ फ्यू स्पाइंस ऑन इट्स साइड, बट द बॉडी बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ स्पाइंस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 20। जो इसके रिंग्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पर, इस रिंग में, एक रिंग में आपके 5 to 20 तक स्पाइन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके जो स्पाइंस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अपर साइड पे, या आप कह सकते हैं इंटीरियर एंड की तरफ आपके जो स्पाइन है वो उनका डायरेक्शन होता है। दीज रिंग्स ऑफ स्पाइंस रन राउंड द बॉडी ऑफ द स्पिक्यूल नियरली इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। डिस्टेंस भी इसमें इक्वली होता है आप कह सकते हैं। द स्पाइंस ऑलवेज pointing towards the head of the spicule, head की तरफ जो है जो direction है spicules की होती है। the size of the spicules varies according to the stage of its growth, the average size is being 50 microns while a very large one measure about 80 microns। इस तरीके से इनका साइज होता है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्केलर्स की है। तो इस तरीके से माइक्रोस्केलर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो मेगा स्केलर्स का होता है, जो बड़े आपके स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं उनका है। तो मेगा स्केलर्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके के हो सकते हैं मेगा स्केलर्स, एक होता है स्पिंडल शेप्ड एंड एक होता है पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स। तो बोथ दीज टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर मच लार्जर देन माइक्रोस्केलर्स। तो स्पिंडल शेप्ड जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये है स्ट्रक्चर, आपको साइड में माइक्रोस्केलर्स जो दिखाए जा रहे हैं वो होते हैं, अभी आपने उसका स्ट्रक्चर पीछे भी देखा है। इधर आपको मेगा स्केलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके के हो सकते हैं। एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपकी राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं। और जो है एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये पिपेट स्टेज, जो बीच में स्वेलन हो रहा है पार्ट, इसको हम लोग पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल
भी बोलते हैं। तो दो तरीके के स्पिक्यूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के स्पिक्यूल्स होते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या इसमें नॉर्मल फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो दीज स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स की बात करें तो दीज आर ऑलवेज फाउंड इनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ जिसको बोलते हैं एंड लाई स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द एनिमल इन मोस्ट ऑफ इट्स टिश्यू बट दे आर रेगुलरली अरेंज इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द टेस्ट मोस्टली पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होंगे दे आर ऑल्सो वेरी अबंडेंट इन द मेंटल बट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दे आर यूजली वेरी डेंस इन द रीजन ऑफ द स्टमक एंड द गोनाड्स एंड ऑल्सो एट द बेस ऑफ साइफन तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी एंड आर क्वाइट वेल रिप्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन ईच स्पिक्यूल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ स्पाइंस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 60 वो जो माइक्रोस्केलर्स थे वहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ स्पाइंस था वो कम था यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पाइंस है वो 20 to 60 होता है और जैसा स्ट्रक्चर उनका था वैसा ही स्ट्रक्चर इनका भी है बस इनमें फ़र्क क्या है ये थोड़े से बड़े होते हैं वो जो माइक्रोस्केलर्स होते हैं उनसे ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन उन्हीं की तरह सेम डायरेक्शन भी होता है इनमें देयर साइज वेराइज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड एवरेज साइज इज 1.5 millimeter बट सम अटेन अ साइज ऑफ 2.5 millimeter तो ये इनका साइज हो सकता है तो ये बात हो गई स्पिंडल शेप्ड जो आपके स्पिक्यूल्स हैं उनकी जो दूसरे हैं पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स वो क्या है दीज आर लार्जर देन दोज ऑफ द स्पिंडल शेप्ड बींग एज मच एज 3.5 millimeter लॉन्ग द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ईच स्पिक्यूल इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज स्फेरिकल स्वेलिंग इन द मिडल विच गिव्स इट द शेप ऑफ अ पिपेट विच इट इज स्ट्रेट तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होता है बीच में जो स्वेलिंग एक आप कह सकते हैं फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से इसको हम लोग पिपेट शेप्ड जो है स्पिक्यूल्स भी कहते हैं तो दे आर अबंडेंटली रिप्रेजेंटेड इन द मेंटल स्पेशली इन द रीजन ऑफ द गोनाड्स एंड लोब्स ऑफ द लिवर द मेगास्केलर्स आर प्रेजेंट इन द इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इट इज डिफिकल्ट टू अट्रीब्यूट एनी डेफिनेट फंक्शन टू देयर स्पिक्यूल्स बियॉन्ड सेइंग दैट दे प्रोबेबली फॉर्म अ स्केलेटल टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तो जो इनका आपका रीज़न कह सकते हैं इनके प्रेजेंट होने का क्या है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ एक्सोस्केलेटन भी वर्क करते हैं और ये अटैचमेंट भी आप कह सकते हैं टेस्ट और मेंटल के बीच में अटैचमेंट जो होता है क्रिएट करने के लिए भी इन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं द फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज स्पिक्यूल्स देयरफॉर सीम्स टू कीप द टेस्ट फर्मली अटैच टू द मेंटल तो इस तरीके का जो रोल होता है और जो आपने स्ट्रक्चर देखी ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बीच में एक स्फेरिकल स्वेलिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें और बाकी की स्ट्रक्चर एज सेम होती है जैसे कि माइक्रोस्केलर्स में होती है यहाँ पर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ द स्पिक्यूल्स यहाँ पर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होगी और जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम एक ही डायरेक्शन में जो स्पिक्यूल्स होते हैं उनका होता है तो इस तरीके से लॉन्ग आपके होते हैं इसके अलावा जो लास्ट चीज़ बच रही है दैट इज़ मेंटल और बॉडी वॉल तो मेंटल और बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं तो इनसाइड द टेस्ट इज़ द बॉडी वॉल और मेंटल टेस्ट के अंदर का जो रीज़न है वो मेंटल या बॉडी वॉल कहलाता है द मेंटल सेक्रीट्स द टेस्ट जो मेंटल है वो ही सेक्रीट करती है टेस्ट को द मेंटल इज़ प्रेजेंट बीनीथ द टेस्ट एंड इज अटैच्ड ओनली एट द ब्रैंकियल एंड अट्रियल अपर्चर विद इट्स फॉर्म्स ब्रैंकियल एंड अट्रियल साइफन और ये अटैच होती है ब्रैंकियल और अट्रियल साइफन वाले रीजन पर
द मेंटल इनक्लोजेज अ लार्ज अट्रियल कैविटी, एक लार्ज अट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है, और पेरीब्रैंकियल जोन अट्रियम कंटेनिंग वाटर. हिस्टोलॉजिकली द मेंटल हैज एन आउटर लेयर ऑफ एक्टोडर्म, मिडल लेयर ऑफ मीजोडर्म एंड एन इनर लेयर ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग द आउटर लाइनिंग ऑफ द अट्रियल कैविटी. तो इस तरीके से तीन लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मेंटल में, या आपकी जो इनर वॉल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बॉडी वॉल बोल रहे हैं उस पर. तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है मेंटल का, और ये आपकी टेस्ट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है. तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है आपका हर्डमानिया का, जो कि हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी देखी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.